जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पिछले 72 घंटों में 8 आतंकियों को किया गया है होरिफाइड। भारत में शुरू हुई C-295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग। अर्जेंटीना मीडिया के मुताबिक, अर्जेंटीना 20 LCH प्रचंड को खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को कर सकता है साइन। इंडियन नेवी से जुड़े हुए जासूसी वाले मामले में NIA ने फाइल करी चार्जशीट और चीन के विदेश मंत्री हुए अचानक से गायब। आज सुबह जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में ऑपरेशन खाकी पैच लॉन्च किया गया था, जो कि इंडियन आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के दौरान LOC पर एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया गया और घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 आतंकियों को ढेर भी किया गया। और जबकि मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK राइफल्स, 6 हैंड ग्रेनेड्स और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए। और ये ऑपरेशन BSF के स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लॉन्च किया गया था। और जम्मू कश्मीर में 72 घंटों के अंदर अभी तक 8 पाकिस्तानी आतंकियों को उनके 72 हुरों तक होरिफाइड कर दिया गया है। बाकी आज बदगांव में आतंकियों द्वारा 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर हमला किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और इस हमले में दोनों ही ऑफिसर्स घायल हुए हैं और जिन्हें तुरंत ही उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। और घायल हुए दोनों ऑफिसर्स में से एक की पहचान इमरान यूसुफ वानी के तौर पर हुई है, जिनकी थाई पर गोली लगी है, और दूसरे हैं जहांगीर अहमद चैची, और इन्हें माइनर सी इंजरी हुई थी और फर्स्ट एड के बाद इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है। और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही आर्मी, पुलिस और CAPF ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी थी और एक इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। और क्राइम सीन पर सर्च के दौरान AK-47 एम्यूनिशन के 2 MT-fired कार्टेजेस भी रिकवर किए गए और जबकि स्पॉट से एक बुलेट हेड भी रिकवर किया गया था। बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसके अलावा आज सियाचिन ग्लेशियर से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां एक फायर एक्सीडेंट में अपने सोल्जर्स की जान बचाते हुए आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये जो आग है, ये कैप्टन अंशुमान के बंकर के पास एम्यूनिशन डंप पर लगी थी और कैप्टन अंशुमान ने अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले बहुत सारी जानें भी बचाई और फिर वे उन सर्वाइवर्स की तलाश में भी निकल चुके थे जो कि वापस नहीं आए थे। और इसी दौरान कैप्टन अंशुमान सिंह को भी सीरियस बर्न इंजरीज हो गई थी, जिस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कैप्टन अंशुमान सिंह की आत्मा को शांति मिले और ये देश उनके इस निस्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखेगा। एयरबस के साथ अपने कोलैबोरेशन के तहत टाटा ग्रुप ने भारत में इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया है। और भारत में बना पहला C-295 एयरक्राफ्ट 2026 तक डिलीवर किया जाएगा और जो बाकी के 39 एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी भी 2031 तक पूरी कर दी जाएगी। बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट हम फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लेंगे, यानी कि वो स्पेन में एयरबस की फैसिलिटी में ही बनेंगे। और जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। और जो पहला C-295 एयरक्राफ्ट है वो एयरबस द्वारा इस वर्ष सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, और जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट भी ऑलरेडी एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन में है और वो भी अगले वर्ष मई तक एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। और इस तरह से पहले के 16 C-295 एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत हैं, तो उनकी डिलीवरी सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। और एयरबस ऑफिशियल्स ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि वे टाटा के साथ अपनी पार्टनरशिप के तहत इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी 15 एडिशनल C-295 एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए बात कर रहे हैं, जिनमें से 9 एयरक्राफ्ट मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF भी इन C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने पर विचार कर रही है। बाकी इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के 6 पायलट्स का जो इनिशियल बैच था, तो उसने स्पेन में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और अब इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के पहले बैच को ट्रेन किया जा रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन एयरफोर्स एयरबस के साथ 5 साल के परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि कंपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए इस फ्लीट के 85% अवेलेबिलिटी रेट को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के C-295 एयरक्राफ्ट की फ्लीट का 85% हिस्सा हमेशा ऑपरेशनली रेडी रहेगा। और जबकि टाटा ग्रुप इस एयरक्राफ्ट को बाकी के अदर कंट्रीज को भी मार्केट करेगी। और एयरबस ने भी बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी टाटा के साथ पार्टनरशिप है, तो इसमें 90% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। और अगर आप मैन आर्स के हिसाब से देखेंगे तो फिर 30वें नंबर के एयरक्राफ्ट के बाद बाकी बचे एयरक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में ही बन रहे होंगे। और इसका मतलब यह है कि एयरबस द्वारा देश के बाहर के बाकी ऑर्डर्स पर कोई काम नहीं किया जाएगा। और प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि टाटा ग्रुप द्वारा हर साल लगभग 4000 के रेट से एयरक्राफ्ट के 14000 पार्ट्स का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। और इस एयरक्राफ्ट के केवल वही हिस्से स्वदेशी नहीं होंगे जो कि नॉन एयरबस हैं, जैसे कि लैंडिंग गियर, इंजन और एवियोनिक्स। इसके अलावा जो एयरबस है वो आगरा में इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित करेगी, जहां पे सिमुलेटर्स होंगे, और ये 2024 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में C-295 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के लिए वेयरहाउस बनाया जाएगा। और भारत एयरबस के साथ इन एयरक्राफ्ट की भारत में MRO फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए भी बात कर रहा है।
और इस फैसिलिटी में केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले C-295 एयरक्राफ्ट की MRO सर्विस भी शामिल रहेगी। और बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाटा ग्रुप भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी है जिसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वरना इससे पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट केवल HAL द्वारा ही। दिल्ली में भारत और रशिया ने वर्किंग ग्रुप ऑन मिलिट्री कॉपरेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन तो इसकी तीसरी मीटिंग को कंडक्ट किया था। और इस मीटिंग में भारत और रशिया ने अपने बीच के बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन मैकेनिज्म के तहत कोलैबोरेशन की और भी नई संभावनाओं को एक्सप्लोर किया है। और इस मीटिंग में मुख्य रूप से भारत और रशिया के बीच के मौजूदा डिफेंस एंगेजमेंट्स को और मजबूत करना शामिल था। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन ओरिजिन के डिफेंस इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इश्यूज को भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत के लिए रशियन इक्विपमेंट और उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई प्रभावित हुई है। और जबकि रशिया पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी भारत और रशिया के बीच पेमेंट मैकेनिज्म के इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भारत और रशिया लगातार काम कर रहे हैं। और बाकी इस मीटिंग के दौरान जरूरी मिलिट्री इक्विपमेंट की ऑपरेशन रेडीनेस को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई किया। बाकी इसके अलावा जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि वियोन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने तेजस फाइटर्स की डील को लेकर यह कहा था कि अर्जेंटीना के पायलट्स ने तेजस को उड़ाया है, लेकिन भारत के साथ तेजस फाइटर्स वाली डील में एक इशू है और वो इशू है इसमें मौजूद ब्रिटिश कंपोनेंट्स। और तेजस में यूके ओरिजिन के 16 पार्ट्स हैं और अर्जेंटीना के मामले में कंपनी को तेजस में मौजूद यूके ओरिजिन के पार्ट्स को चेंज या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी अर्जेंटीना के पायलट्स तेजस को ऑलरेडी 2 बार फ्लाई कर चुके हैं। और बाकी जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री की इस भारत यात्रा के दौरान मुख्य रूप से 3 डिफेंस डील्स की बात की जा रही थी, जिसमें से एक थी LCA तेजस वाली डील, दूसरी थी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वाली डील और तीसरी थी ब्रह्मोस मिसाइल वाली डील। तो ब्रह्मोस मिसाइल वाली डील होने की संभावना तो है, जैसे कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने भी वियोन के साथ बातचीत में कहा है, लेकिन रही बात भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH की, तो इससे जुड़ा एक अपडेट अर्जेंटीना की मीडिया की तरफ से देखने को मिला है। इसमें अर्जेंटीना के एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पुकारा, तो उन्होंने अपने क्लोज सोर्सेस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना भारत से 20 प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को साइन कर सकता है। और 20 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री की इसी भारत विजिट के दौरान साइन होने की उम्मीद है। बाकी आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब बस इतना होता है कि जो पोटेंशियल बायर है तो वो उस लेटर को साइन करके इस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाता है और फिर जिसके बाद निगोसिएशंस स्टार्ट होते हैं, बातचीत होती है जिसमें कॉस्ट और बाकी के सभी फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, और एक बार इन सभी पर सहमति बनने के बाद फिर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की प्रोसेस बढ़ती है। बाकी लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के चांसेस तभी हैं जब निगोसिएशंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं और दोनों पक्ष के बीच एक आम सहमति बने। आज बुधवार को NIA ने इंडियन नेवी से संबंधित जासूसी वाले मामले में एक संदिग्ध फरार पाकिस्तानी नागरिक समेत 2 के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें से एक है पाकिस्तानी ऑपरेटिव मीर बालाज खान जो कि फिलहाल अभी फरार है और दूसरा आरोपी है आकाश सोलंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों आरोपी अन्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ जासूसी रैकेट में शामिल थे जिसमें वे भारत विरोधी साजिश के तहत इंडियन नेवी से संबंधित कुछ संवेदनशील जानकारी को लीक कर रहे थे। और इनमें से जो आकाश सोलंकी है तो वह विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियर रेडियो अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहा था और इस पर आरोप है कि इसने सस्पेक्टेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को नेवी की वॉरशिप्स और सबमरीन से संबंधित क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पास करी और ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक करने के बदले उसे पाकिस्तानी ऑपरेटिव से क्रिप्टो चैनल्स के माध्यम से मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ है। और बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि आज बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और इन पर आरोप है कि ये बेंगलुरु में आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और पुलिस को जुनैद नाम के एक और संदिग्ध की तलाश है। बाकी आज जिन 5 लोगों को कस्टडी में लिया गया उनके नाम है सोहेल, उमर, जाहिद, मुदासिर और फैजल, और ये 5ों बेंगलुरु से ही हैं और इनकी एज 25 से 35 के बीच में। और ये भी कहा जा रहा है कि एक मर्डर केस से कनेक्शन के चलते ये 2017 में भी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 18 महीने जेल में रहे थे। बाकी CCB ने इन संदिग्धों के पास से एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी सीज किए और एक गन्स और डैगर्स को भी कैरी कर रहे थे। और पूछताछ में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि वे एक टेरर एक्यूज टी नजीर के साथ कांटेक्ट में थे और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इन 5ों को नजीर ने ही रेडिकलाइज किया था। और बता दें कि जो नजीर है फिलहाल अभी वर्तमान समय में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है। मंगलवार को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में INS मैसूर में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। हालांकि अच्छी बात यह है कि डॉकयार्ड स्टाफ की मदद से शिप के स्टाफ ने आग को समय पर काबू कर लिया और इस घटना में किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी इंसिडेंट कैसे हुआ तो उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग मिसिंग है। जी हाँ, आपने सही सुना, चीन के विदेश मंत्री अचानक से गायब हो चुके हैं और उन्हें आखिरी बार करीब 3 सप्ताह पहले देखा गया था।
और बाकी अब चीन के विदेश मंत्री के इस तरह से एकदम से गायब होने के पीछे चीन कारण दे रहा है हेल्थ इश्यूज का। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी भी चीज का सही कारण नहीं बताते। और अब चीन के विदेश मंत्री के इस तरह से गायब होने के पीछे कई तरह के रूमर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और उनमें से एक रूमर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है चीन के विदेश मंत्री का हांगकांग स्थित एक टेलीविजन हस्ती के साथ अफेयर वाला मामला। और जबकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मुझे इस मामले की कोई समझ नहीं है। वैसे आपको बता दें कि सीसीपी ने अपने मेंबर्स पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा रखा है, और इसलिए माना जा रहा है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि जब सीसीपी को चीन के विदेश मंत्री का इस अफेयर के बारे में पता लगा होगा तो उन्होंने उन्हें साइडलाइन कर दिया, और अब उन्हें पद से हटाने की बात भी चल रही है। और अब चीन के विदेश मंत्री तो गायब है, लेकिन अब उनके बदले चीन के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। और जबकि हांगकांग की मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री का जिस टीवी एंकर के साथ अफेयर बताया जा रहा है तो उसे यूके की जासूस की तरह भी दिखाया जा रहा है। और अगर ये सच है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक हनी ट्रैप वाला मामला है जिसमें इस बार चीन के विदेश मंत्री को फंसाया गया है। बाकी चीन में रातों रात लोगों का गायब हो जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें आज बुधवार को ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के प्रमुख की तरफ से कहा गया कि ब्रिटेन के जो जासूस है वो पहले से ही रशिया के हथियारों की सप्लाई में बाधा डालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अनुमान लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न स्पाइस हैं उनको हॉस्टाइल स्टेट्स द्वारा AI के घातक उपयोग पर नजर रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने उन रशियन से ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का भी आग्रह किया जो कि यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं। और MI6 के प्रमुख का यह भी कहना है कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही अन्य लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं। और जबकि रिचर्ड मूर ने पहले भी इस बात को लेकर वॉर्न किया था कि जो वेस्ट है वो AI रेस में अपने राइवल्स से पीछे है। बाकी रिचर्ड मूर का यह कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो कभी भी ह्यूमन स्पाइस की जरूरत को रिप्लेस नहीं करेगी, और तेजी से इवॉल्व होती हुई इस मशीन लर्निंग वाले एरा में जो ह्यूमन फैक्टर है वो हमेशा ही क्रिटिकल बना रहेगा। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में MiG-21 क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर भानु प्रताप पचौरी और फ्लाइंग ऑफिसर सुमित मल्होत्रा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान घातक प्लेटून को लीड करते हुए लेफ्टिनेंट रविंद्र चिकारा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में वर्तमान समय में टोटल कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।